जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं क्लास दसवीं के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि बिहार बोर्ड के आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिए और कम से कम 15+ क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए, और यदि 15 नहीं हो सकता है तो 10+ जरूर होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपका बोर्ड में स्कोर अच्छा होगा। और यदि जो भी क्वेश्चन आपको उसमें से नहीं आता तो उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और सबको याद कीजिए, ठीक है? तो चलिए बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? इसमें सारा जो क्वेश्चन है सब पीछे ईयर में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए है रेटिना, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली और ऑप्शन डी कॉर्निया। ये मानव नेत्र चैप्टर में आप क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो कौन सा सही होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परितारिका, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है? दो दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब ये, वैसे तो सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस और ऑप्शन नंबर डी बायफोकल लेंस। कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, ठीक है? तीन नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? आंख के जिस भी भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए पुतली, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी आयरिस, आयरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका, और ऑप्शन नंबर डी रेटिना, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना, यानी कि दृष्टिपटल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, आंख किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है? ऑप्शन नंबर समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पहले क्वेश्चन देखिए, आँख किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है? तो पहली बात समतल दर्पण लिखा तो वो तो कैंसिल हो गया, बच गया क्या? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो इसमें से आपको आंसर बताना है, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का B उत्तल लेंस, ठीक है? आँख उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, पांच नंबर, किस नेत्र दोष के उपचार में उत्तल लेंस और अवतल लेंस से बने द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी मोतियाबिंद और ऑप्शन नंबर डी जड़ा दूरदर्शिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जरा दूरदर्शिता, ठीक है? छह नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी नेत्रोड के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर और ऑप्शन नंबर डी ऊपर वाला तीनों कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? सात नंबर क्वेश्चन, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? मतलब वो कौन सा भाग होता है जो कि पुतली को के आकार को नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए है रेटिना, ऑप्शन बी परितारिका यानी कि आयरिस, ऑप्शन सी नेत्रपटल और ऑप्शन नंबर डी
अभिनेत लेंस, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, आयरिस जो है वो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आठ पे। तो क्वेश्चन नंबर आठ है, मंद प्रकाश में किसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, ये वाला सी नहीं होगा, शिथिलता से इसको हटा देना है बाद में की, ठीक है, शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी परितारिका और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी परितारिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नौ नंबर, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है, मतलब कि एक वयस्क व्यक्ति है कम से कम कितना दूर पर रखेगा वस्तु को कि वो स्पष्ट देख सके। ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष किसी को हो गया है, ठीक, तो उसके नेत्र के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा लेंस होगा इसका, 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, 2017 में पूछा जा चुका है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी ताप और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले इसमें से ऑप्शन को कैंसिल करते हैं, ताप, ताप तो खुद एक यूनिट है, खुद एक इकाई है, तो मात्रक कैसे हो सकता, ताप तो नहीं होगा। जूल और कैलोरी, जैसे हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा तो मिलता है, उसको खाना किस में नापते हैं, कैलोरी में, लेकिन कैलोरी स्टैंडर्ड मात्रक नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, मतलब किस क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए पार्श्वबद्ध, ऑप्शन बी पार्श्वबद्ध को बता दो कि समांतर क्रम भी कहा जाता है, ठीक है, और ऑप्शन बी श्रेणी क्रम, ऑप्शन सी दोनों, यानी कि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, तो 12 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है आमीटर को। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, धातुओं में धारावाहक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये आप पढ़े होंगे अच्छी तरह कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वही धातु में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी का प्रवाह होता है, जब विद्युत आता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही गमन करता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए घटता है, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहता है यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता है, ऑप्शन सी बढ़ता है यानी कि बढ़ेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बढ़ेगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, ठीक है, दो चालक तार लिया जा रहा है कि पदार्थ भी सेम लिया जा रहा है, लंबाई भी सेम है और व्यास भी सेम है, आगे है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, मतलब पहले श्रेणी क्रम में लगा के देखा गया, ठीक, उसके बाद समांतर क्रम में लगा के
देखा गया, ठीक है। तो उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात क्या है, यानी कि सरणी क्रम में जो प्रतिरोध निकाला और बटे समांतर क्रम में जो प्रतिरोध निकलेगा उसका अनुपात वो क्या होगा, वो मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए कि वो ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है, 2012 में पूछा जा चुका है, 15 में भी, 14, 17 और 19, ये तो लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी मीटर और ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो 16 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जनित्र। ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी फ्लेमिंग, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, यानी कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। ऑप्शन नंबर ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। पहले आप सोचिए इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, और डायनमो जो होता है वो सेम इसका उल्टा करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ कि अपने घर में जो बिजली आता है वो कितना वोल्ट का रहता है, एसी होता है या डीसी होता है, वो बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 220 वोल्ट दिष्ट धारा, ऑप्शन बी 12 वोल्ट दिष्ट धारा, ऑप्शन सी 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन डी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, मतलब कि बिजली के द्वारा जो भी सप्लाई आता है वो क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है, और बैटरी वगैरह से जो भी रहता है वो दिष्ट धारा रहता है। और जैसे अपना सब दो गर्मी जोड़ देते हैं, दो गर्मी तो क्या बोलते हैं, 440 हो गया, 440 हो गया दो गर्मी जोड़े तो, और यदि एक ही गर्मी है तो बट्टे दो कितना, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पे प्रत्यावर्ती धारा आ रहा है, आ समझ में। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए गर्म तार में, ऑप्शन बी ठंडे तार में, ऑप्शन सी भूयोजित तार में, मतलब जिसको अर्थिंग बोलते हैं, भूयोजित तार जिसको अर्थ में लगाते हैं, अर्थिंग लगाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि ऊपर वाला तीनों सभी। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्विच जो है वो गर्म तार में लगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समाप्त हुआ, आप कमेंट में बताइए कि आपने कितना आंसर सही सोचा, ठीक है। तो आगे एक और स्लाइड है अपने पास, यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आलोक ऑफिशियल 02 सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ये, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप वेबसाइट के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां पे आप सर्च कीजिए गूगल पे, क्रोम पे या किसी भी और ब्राउजर पे, alokofficial.com सर्च कीजिए, वहां पे आपके साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छी तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कम समय में आप बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अच्छा मार्क ला सकते हैं। तो ज़रूर हमारे साथ आप इन सभी जगह पर जुड़िए, टेलीग्राम पे, गूगल पे और इंस्टाग्राम पे, ठीक है। जय हिंद।